हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बहुत आसान, बहुत अमेजिंग और वर्केबल प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसको कि आप अपनी इनफर्टिलिटी को दूर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप सभी के सामने हैं। बहुत सारे गुड न्यूज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में, कि इसको यूज़ करके हमारी बहुत सारी हंड्रेड्स में, थाउजेंड में नंबर होगा जितनी महिलाओं ने इसको यूज़ करके कंसीव किया है। तो इसके बारे में थोड़ी और क्लैरिटी से, थोड़ी और डिटेल से समझेंगे चीज़ों को, कि कितना, कैसे, कब, किसको, क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के तरीके बताऊंगी इस्तेमाल के, जो बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कि डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल यूट्यूब मॉम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से नहीं पता होती, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद लगता है कि काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती और मैं ये कर चुकी होती तो चीज़ें कुछ अलग होती। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको वहाँ। आप यूट्यूब मॉम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। फ्रेंड्स, कई महिलाओं को सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं बनता, ड्राइनेस रहती है, मंथ में ओवुलेशन होता भी है लेकिन डिस्चार्ज नहीं आता, तो उन्हें पता नहीं चलता। कई महिलाओं को पर्सनल रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है कि उनको सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं बन रहा है, ड्राइनेस रहती है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है उनको, बार बार इन्फेक्शन भी होते हैं, इम्यूनिटी लो रहती है, पीरियड का फ्लो इतना कम रहता है कि उनको खुल के पीरियड नहीं आता है और कंसीव भी नहीं हो रहा है ऐसी कंडीशन में। कई महिलाओं की प्रॉब्लम है कि उनको ओवुलेशन नहीं होता, सारे रिपोर्ट्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है लेकिन एग रिलीज नहीं हो रहा है। तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा ये ड्रिंक और ओवुलेशन को बूस्ट करने में आपकी बॉडी को हेल्प करने वाला है। कई महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि उनका लिबिडो बहुत कम होता है, यानी कि हॉर्मोन्स ठीक से नहीं है, तो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा, लिबिडो को भी इम्प्रूव करने वाला है। इस ड्रिंक में हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं बहुत छोटी छोटी सी है, आपके किचन में भी स्पाइसेस के बॉक्स में होगी, और वह लौंग क्लोव्स जिनको हम कहते हैं, डेली दो क्लोव्स को यूज़ करना है। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने छोटे छोटे से क्लोव्स में कितने सारे विटामिन्स हैं, कई सारे मिनरल्स हैं, और वो ही विटामिन और मिनरल आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके अंदर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, मैंगनीज और कैल्शियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इन्हीं से तो फ़ायदा हो रहा है आपको। अब इसको लेना कैसे है, बुक जानेंगे, और किन महिलाओं को कब से इसको शुरू करना है अपने मासिक चक्र के दौरान, मंथ के किन डेज में से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको लेने का तरीका। बहुत सिंपल तरीका है, रात को बिफोर स्लीप आपको दो ग्लोव्स को पानी में डुबो के रखना है। एक ग्लास पानी आप ले लीजिए जिसको कि आप सुबह पी सकें। अगर दो ग्लास पानी पी सकते हैं तो आप बड़ा जार ले लीजिए, उसमें दो ग्लास पानी डाल लीजिए, लेकिन पूरा आपको कंज्यूम करना है एक बार में, पी लेना है उसको। तो कोशिश करें एक गिलास से शुरुआत करें। दो लौंग लेनी है बिल्कुल पूरी, जिसमें कि अच्छे से बर्ड्स हों उसमें, उसको अगर वो डस्टी हो तो आप उसे वॉश कर लीजिए एक बार, और उस ग्लास के पानी में दो लौंग की कलियों को डाल के ढक के रख दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि पानी का कलर जो होता है ट्रांसपेरेंट से हल्का सा चेंज हो जाता है, वो लौंग जो होती है वो फूल जाती है और उसका पूरा अर्क, जिसे हम कह सकते हैं, वो पानी में आ चुका होता है। तो अब उस दो लौंग की कलियों को आपको हटा देना है, उसको खाना नहीं है, हटा दीजिए। कोई और इस्तेमाल आप उसका कर सकते हैं तो कर लीजिए, और उस पानी को आपको सुबह खाली पेट पीना है। कब से पीना है, किन महिलाओं को, हम आगे जानेंगे। अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेती हैं तो दवा सबसे पहले मॉर्निंग में ली जाती है, उसके 30 मिनट बाद आप ये पानी ले सकते हैं। अब बात आती है आपके मासिक चक्र के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग कब से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जिन महिलाओं का पीरियड बिल्कुल सही है, 3 से 5 दिन आता है, ठीक ठाक आता है, फ्लो बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, तो उनको पीरियड के पहले दिन से नहीं शुरू करना। उन्हें पीरियड का 5वां दिन, जब पीरियड पूरी तरह रुक गया, 6ठे दिन से ओवुलेशन होने के दिन तक लेना है। लेकिन कुछ महिलाओं को पीरियड फ्लो ठीक से नहीं आता है, तो वो इसे, जब से उनको पीरियड स्टार्ट हुआ, पता चला कि अभी पीरियड स्टार्ट हुआ लेकिन बहुत कम आता है, तो उस दिन आप मॉर्निंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ओवुलेशन तक इसको कंटिन्यू करना हो तो उसके बाद इसे स्टॉप कर देना है। ऐसा आप अपनी हर साइकिल में दोहरा सकते हैं। अब बात आती है, क्या हस्बैंड को भी ये पानी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हस्बैंड को देने के लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको उसको मिल्क में बॉयल करके देना है, दो क्लोव्स लेनी है, और भी स्पाइसेस ले सकते हैं, जैसे कार्डमम ले सकते हैं, नटमेग,
जायफल ले सकते हैं, ऐसे कई चीजें मैंने बताई है जो पुरुषों के लिए अच्छी हैं। तो अगर आप मिल्क प्रिपेयर करते हैं तो उनमें इन स्पाइसेस को ऐड कर दीजिए और एक टेस्टी सा उनको आप मिल्क सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर के बाद में, बिफोर स्लीप आप उन्हें दे सकते हैं, पर इसको मिल्क में दिया जाता है पुरुषों को। फ्रेंड्स, ये आपके पीरियड फ्लो को ठीक करता है, ओवुलेशन को बूस्ट करता है। लेकिन एक और खास बात, कई बार ऐसा देखा है कि जो ग्लो वाटर है ये ओवुलेशन को बूस्ट करता है और इस दौरान मल्टीपल एग्स भी रिलीज हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में एग्स एक से ज्यादा मैच्योर हुए हैं तो वो रिलीज होने के चांसेस होते हैं अगर आप लॉन्ग वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे ट्विंस कंसीव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ओवुलेशन को बूस्ट करता है, ट्विंस कंसीव करने के चांसेस को भी बढ़ाता है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें, और अगर आप पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना तो बनता है ना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।